ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق

بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من لا يعتدي على اهل مملكته سبحان من لا ياخذ اهل الارض بالوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما انك على كل شيء قدير اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو اصدق الصادقين وقوله الحق

ये अरसाद फरमा रहा है निसा आयत नंबर फिफ़्टी थ्री में या अयुह लज़ीना आमनु अति व अतिरसूल व उम्र मिनकुम कि ए साहिबा ईमान इताात करो अल्लाह की रसूल की और उलिल अम्र की अजीज़ान मोहतरम हम हर मजलिस में ये कोशिश कर रहे हैं कि इमामों की ज़िंदगी का जायज़ा लेकर अपने लिए दर्स हासिल कर सकें इसी तरह आज की इस मजलिस में भी हम ज़िक्र करेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन इमामों का ज़ाहिर है दामन वक्त में गुंजाइश इतनी नहीं है और अभी हमें बारह इमामों तक जाना है बारहवें इमाम तक जाना है इन आगे की मजलिस में लिहाजा आज की मजलिस में ये कोशिश रहेगी कि तीन इमामों की ज़िंदगी से हम जल्दी जल्दी दर्ज हासिल कर सकें क्योंकि यहाँ पर इतना ही वक्त है लेकिन बाद के लिए ये लाजमी हैं जो इमाम का पैरोकार है कि इमाम की सीरत को पढ़े और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। आज आज की इस मजलिस का मैं आगाज़ करूँगी इमाम मोहम्मद सलाम के ज़िक्र से कि जो इमाम जैन अलाब्दीन आलाम के फ़र्ज़ंद हैं आपको बा़रूम कहा जाता है और आप ही वो शख्सियत हैं कि जिनको रसूल अल्लाह सल अल्लाह वसल्लम ने अपना सलाम पहुंचवाया था जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी के ज़रिए हम सब जानते हैं इमाम मोहम्मद बाकर को बा़िरूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके अंदर से इल्म का सर चश्मा फूटता था आप इल्म का मरकज़ हैं आपके बारे में मिलता है और बल्कि हर इमामों के बारे में एक बात जो बहुत इंटरेस्टिंग बहुत दिलचस्प हमें मिलती है जो नज़र आती है वो ये कि हमारे इमाम अपनी जोजात से अपनी बीवियों से बहुत अच्छे से रहते थे बहुत अच्छा बिहेव करते थे उनके साथ बहुत रहमदिल और बहुत काइंडनेस के साथ उनसे पेश आते थे उनकी रूहानी ग़ा का भी ख्याल रखते थे इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि आपके घर के अंदर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुआ करते थे आप घर में इल्म के बारे में गुफ्तू किया करते थे मसले मसाइल के बारे में गुफगू किया करते थे और आज के टाइम पर ये बहुत इम्पॉटेंट है बहुत ज़रूरी है जब हमारे घर के अंदर अच्छी बातें शुरू हो जाएंगी हम ऐसी बातें करने लगेंगे कि जिससे इल्म में इजाफा होगा सवाब में भी इजाफ़ा होगा हमारी आखिरत भी संवरेगी तो ज़ाहिर सी बात है हमारा घर फिर वो घर नहीं रहेगा बल्कि जन्नत बन जाएगा और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के घर में कुछ ऐसे ही होता था एक मरतबा इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपनी जोजा उम्मे फरवा से ये फ़रमाते हैं बीबी उम्मे फरवा से आप ये फरमाते हैं कि उम्मे फरवा मैं अपने फॉलोवर्स के लिए मैं अपने चाहने वालों के लिए अपनी इताद करने वालों के लिए सुबह और शाम दुआ करता हूँ आप देखें कि इमाम कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे आप फरमाते हैं कि मैं सुबह और शाम दुआ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे गुनाह उनके मिट जाएं, ख़त्म हो जाएं। उनको अल्लाह इतनी तोफ़ी दे कि वो गुनाह ना करें और जब वो किसी मुश्किल पर सब्र करते हैं तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि इस सब्र करने की वजह से उन्हें कितना अजीम सवाब मिल रहा है लेकिन जब हम सब्र करते हैं तो हमें इस बात का इल्म होता है आप देखें कि कितने मेहरबान हैं इमाम हमारे लिए कितनी छोटी छोटी बातों को हमारे लिए इमाम सोच रहे हैं आप देखें इसके अलावा इमाम मोहम्मद बाकर सलाम की ज़िंदगी से एक बड़ा ख़ूबसूरत पैगाम हमें ये मिलता है इसमें बीवी के लिए अच्छे से तैयार होना बहुत अच्छी बात है बल्कि सुन्नत है सुन्नत रसूल भी है सुन्नत इमाम भी है इमाम मोहम्मद बाकर सलाम को ब्राइट कलर्स बहुत पसंद थे और आप ब्राइट कलर्स भी पहना करते थे आप के बारे में बहारुल अनवार में मिलता है कि जब आप बारबर के पास जाते अपनी बियर्ड को ट्रिम कराने तो बारबर को सजेशन देते थे कि तुम इसको ऐसे ट्रिम करो इसको इस स्टाइल में करो और भी दूसरी रवायात आपके नेल्स के बारे में मिलती है बहरहाल इमाम मोहम्मद बाख़र सलाम ख़ुद को बहुत मेंटेन करके रखते थे अच्छा लिबास पहनते थे इसके अलावा आप अपनी ज़ोज़ात से अपनी बीवियों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते थे और ये बहुत इम्पॉटेंट है कि हम दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें अक्सर जो घर के बड़े होते हैं अगर वो बहुत मुत्तकी और परहेज़गार हैं तो फिर वो अपने छोटों से ये ये उम्मीद रखते हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बस अब ये भी ऐसा ही बन जाए फ़ौर मैं मुति हूँ यह भी मुति बन जाए ये मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ ये भी बिल्कुल मेरी ही तरह नमाज़ पढ़ने लग जाए तो ये पॉसिबल नहीं है हर इंसान का अंदाज़ अलग है हर इंसान की नीयत अलग है लिहाजा किसी के ऊपर ज़बरदस्ती का बर्डन ना डालें और दूसरी बात ये कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें इमाम अपनी बीवियों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे और इमाम उनकी हर वो ख्वाहिशात कि जो जायज़ हुआ करती थी उसको पूरा भी किया करते थे ये नहीं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती तुम वो नहीं कर सकती मुझे सादगी पसंद है तो तुम भी सादे में रहो नहीं बल्कि उनकी जो विशेज़ होती थी जो ख्वाहिशें होती थी उसका इमाम एहतराम किया करते थे एक मरतबा आपके असाब में से एक सहाबी कहते हैं कि मैं इमाम के हुजरे में गया तो देखा इमाम का हुजरा बहुत अच्छे से डेकोर है और जो क़ालीन बिछी है कलरफुल इमाम ने क़बा जो पहनी है वो भी कलरफुल बड़े अच्छे लिबास में आप हैं तो वो देखकर हैरान हुए तो इमाम मोहम्मद बाख़र आसम ने फ़रमाया कि तुम कल आना अब जब वो कल आए हैं अगले दिन जब वो आए तो देखा कि इमाम एक सादे से कमरे में एक सादी सी चटाई पर बैठे थे तो वो ताज्जुब से देखने लगे और उन्होंने सवाल किया कि कल जब मैं आया था तो आपका अंदाज़ कुछ और था आज जब मैं आया तो आपका अंदाज़ कुछ और है तो इमाम मोहम्मद बाकर आलम ने फरमाया कि कल जब तुम आए थे तो मैं अपनी जोजा के हुजरे में था और मेरी जोजा को रूम डेकोरेशन कलरफुल कपड़े कलरफुल पर्दे ये तमाम चीज़ें पसंद हैं और जो चीज़ मेरी जोजा को पसंद है मैं उसका अहतराम करता हूँ तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जिससे हम दर्श ले सकते हैं कि अपनी जोज़ा के लिए अपनी बीवी के लिए इंसान को तैयार होना चाहिए आरास्ता होना चाहिए जैसे कि इमाम मोहम्मद बाकर किया करते थे अब छठे इमाम का जब ज़माना आया जाहिर है आपके ही फ़र्जंद हैं इमाम मोहम्मद बाखिर सलाम ने फ़ि की बुनियाद तो रख दी अब उस फ़ि की बुनियाद को आगे चलाने वाले आगे बढ़ाने वाले ख़ुद इमाम जाफ़र सलाम थे इमाम जाफर सादिक सलाम का ज़माना वो ज़माना था कि जिसमें इमाम सादिक सलाम के पास चार हज़ार स्टूडेंट्स एक वक्त पर बैठ कर आपसे तालीम हासिल किया करते थे इमाम जाफ़र सलाम की यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम था जो आपने सिस्टम ईजाद किया था उस ज़माने के बाद से लेकर आज तक वो सिस्टम कोई और क्रिएट नहीं कर पाया बड़े से बड़े हौजे बड़े से बड़े मदरसे बने लेकिन वो जाफरी सिस्टम आज तक वजूद में ना आया जबकि हमें उन उस, उस सिस्टम की नीड है हमें ज़रूरत है इमाम ने अपनी यूनिवर्सिटी में ये नहीं था कि बस हम तो कुरान और अहकाम और फ़िक्र सिखाएंगे नहीं बल्कि इल तो नूर है हर वो इल्म जो नफ़ा बख्श हो जो फ़ायदा पहुँचाने वाला हो फिर चाहे वो वह तिब हो चाहे वो केमिस्ट्री हो फिज़िक्स हो बायो हो मैथ्स हो एस्ट्रोनॉमी हो तमाम ूम की तालीम इमाम सादिक सलाम देते थे हती के फ़ादर ऑफ़ केमिस्ट्री जाविर बिन हयान आपके मुस्तकीमन शागिर्द रहे हैं इन्होंने किससे तालीम हासिल की है कि तालीम हासिल कर कर फ़ादर ऑफ़ केमिस्ट्री कहलाए के इमाम जाफ़र सदसलाम से तालीम हासिल की आलम इस्लाम के चार इमाम हैं जिनमें से दो इमाम जो हैं इमाम मालिक और अबू हनीफ़ा ये दोनों मुस्तकीमन शागिर्द रहे हैं इमाम जाफ़र सदसलाम के और अबू हनीफा तो ये कहते थे कि अगर मैंने दो साल इमाम जाफर सदसम के पास तलीम हासिल ना की होती तो मैं हलाक हो गया होता इसके अलावा अबू मालिक अपनी किताब अलमता के शुरू में लिखते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में न देखा ना सुना ना पढ़ा ऐसा मुकद्दस इंसान जैसा जाफर इब्ने मोहम्मद है आप सोचें कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की क्या शख्सियत थी आप इल्म को नश्र किया करते थे आप उन लोगों को दोस्त रखते थे कि जो इल्म को दोस्त रखते थे और आप मुसलसल ये इर्शाद फरमाया करते थे कि देखो इल्म हासिल करो क्योंकि रसूल अल्लाह ये इर्शाद फरमाते थे या फरमा रहे हैं कि रसूल अल्लाह ये इर्शाद फरमाते थे कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत और पर वाजिब है आप मुसल लोगों को इनक्रेज करते थे और कितनी ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं जो बड़े बड़े आलिम रह चुके हैं उन्होंने इमाम की शागिर्दी हासिल की है इसके अलावा अब अगर हम दर्स की बात करें तो इमाम जाफ़र सलाम की ज़िंदगी से हमें वाज़ तौर पर यह दर्स मिलता है कि कोई भी इल्म हो पहली बात तो ये कि इल्म हासिल करना हमारे लिए लाजमी है दूसरा ये कि कौन सा इल्म हासिल करें तो हर वो इल्म कि जिसकी हमें ज़रूरत है और जो हमें हमें फ़ायदा पहुंचाए और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए और तीसरी बात यह कि जिससे हम किसी गलत राह में ना चले जाएं ऐसे इल्म को हासिल करें अब वो चाहे मैथ्स हो फिज़िक्स हो केमिस्ट्री हो हमें डॉक्टर बनना हो इंजीनियर बनना हो एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ना हो कुरान हो हदीस हो तफसीर हो कुछ भी हो कोई भी इल्म हासिल करें उसमें सबसे पहले ये देखें कि वो इल्म क्या माशरे के लिए फ़ायदेमंद है क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है इसको हासिल करने से कहीं कोई नुकसान तो नहीं होगा कहीं हम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चले जाएंगे इसलिए जिस भी इल्म को हासिल करें हलाल तरीक़े से हासिल करें और अपने आप को और अपने आप को जाफरी किरदार के सांचे में ढालें अब इमाम जाफ़र सद्लम के बाद आपके फर्जंद इमाम काज़िम का दौर शुरू होता है इमाम मूसा काज़िम के दौर में इमाम मूसा काज़िम को जिंदान में डाल दिया गया था और आपका जुर्म क्या था अहल बैत का कभी कोई जुर्म नहीं रहा है लेकिन जो दुश्मन थे उन्हें अहल बैत के वजूद से खौफ आता था जबकि अगर देखा जाए हमारे हर इमाम गरीब थे किसी के पास कोई दौलत नहीं थी लेकिन इसके बावजूद वो खलफा कि जो दौलतमंद थे शहरतमंद थे वो डरते थे इमाम से क्यों इस्परिचुअलिटी की बिना पर रूहानी ताकत और ये रूहानी ताकत जिस शख़्स के अंदर भी आ जाए फिर उससे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें डरने लगती हैं दौलत शोहरत तो फ़कत इस दुनिया के लिए है ना लेकिन अगर इस दुनिया में भी फतह हासिल करनी है और वो दुनिया भी बनानी है तो हमें अपनी रूह को तरोताज़ा रखना होगा हमें अपना ईमान अल्लाह पर रखना होगा और आप देखें कि इमाम मोसा सलाम को जब जिंदान में डाला गया है तो उसके बाद ये कहा गया कि इमाम को इमाम वाजिबुल इमाम को वाजिबुल कत्ल करार दे दिया जाए ताकि इमाम को कत्ल कर दें तो किसी ने कहा कि ऐसे कैसे कत्ल कर सकते हैं एक तला तुम मत जाएगा उम्मत में ऐसा करो इनसे कुछ ऐसा करवाओ कि जिसके बाद हम इनके कत्ल का हुक्म दे दें अब प्लान बना प्लानिंग हुई उसमें यह प्लानिंग की गई कि एक बदकार औरत को क़ैद खाने में भेजा जाएगा जिसके बाद इमाम के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे और इमाम को शहीद कर देंगे कत्ल कर देंगे एक बदकार औरत जब आई है क़ैद ख़ाने में तो इमाम ने जैसे ही देखा इमाम ने वहीं से इशारा किया कि रुक जा दूर हो जा मेरे पास ना आना हम पाकिज़ा हैं एक मर्तबा वो औरत वहीं रुक गई इमाम ने जिंदान की छत की तरफ इशारा किया और तारीख लिखती है कि वो छत अपने आप खुल गई और पूरा आसमान नज़र आने लगा उस औरत ने देखा कि पूरा आसमान नज़र आ रहा है फ़रिश्ते नज़र आ रहे हैं जन्नत और जहन्नम नज़र आ रही है जब उसने ये मंज़र देखा तो रोने लगी इमाम के कदमों में गिर गई और कहने लगी फ़र्जंदे रसूल मुझे माफ़ कर दीजिए क्या कोई रास्ता है कि मेरे गुनाहों की माफ़ी हो जाए इमाम ने फरमाया अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम आज के बाद कोई गुनाह नहीं करोगी तो मैं खुद तुम तो मैं खुद ये ज़मानत लेता हूँ कि मैं तुम्हारी शफात करूँगा आप देखें कि हज़रत यूसुफ के साथ जब एक वाक़ पेश आया था तो हज़रत यूसुफ कुरान में आयत मौजूद है ये दुआ करते थे कि परवरदिगार मुझे ज़िंद में भेज दे ताकि मैं गुनाह से बच जाऊँ हज़रत यूसुफ गुनाह से बचने के लिए क़ैद ख़ाने में गए थे और यहाँ क़ैद खाने के अंदर एक ख़ातून को भेजा गया है ताकि वो इमाम से गाह करवा सकें लेकिन इमाम क़ैद ख़ाने के अंदर भी उस गुनहगार औरत को पाकिज़ा बना दिया इमाम ने और उसके बाद जब सुबह नमदार हुई है और जब सिपाही आए हैं तो सिपाहियों ने क्या देखा कि वो औरत के जिसको हमने जिस मकसद के लिए भेजा था वो सजदे में है लोग देखकर कर हैरान व परेशान हो गए लिहाजा कोई भी राह हल ना मिला कि अब किस तरह इमाम को कत्ल किया जाए इसी तरह साल दो साल गुजरते रहे और आखिर मौका पा इमाम को बड़े मजलुमाना तरीक़े से शहीद कर दिया गया और आपकी लाश को बगदाद के पुल पर रख दिया गया जिसके बाद बजाज़ इमामत इमाम अली रज़ा इमामजा आए और आपके जनाजे को दफन किया गया हमारे सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम काजिम्सम की ज़िंदगी से हमें सबसे बड़ा ये दर्स मिलता है कि हमारी लाइफ में चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं हम कितने ही मुश्किलात में गिरफ़्तार क्यों ना हो जाएं हमें अपने ईमान को कभी भी कम नहीं होने देना हमें अपने ईमान को इस्ट्रॉग रखना है वरना जो इमाम इतने साल से क़ैद में रह रहा हो जिसने बाहर की दुनिया भी ना देखी हो अगर हम मूमी इस तरह की बात करें वरना इमाम के लिए बाहर की दुनिया क्या लेकिन फिर भी अगर आम अल्फाज में बात करें कि इतने साल से जो कैद में हो मुद हो उसके सामने एक ऐसी औरत आ रही है जो कि बदकार है इमाम का अखलाक किरदार अंदाज ऐसा कि वो औरत भी ईमान ले आए तो सोचें उस इमाम की क्या मारफ़त रही होगी क्या तवक्ल रहा होगा खुदा पर लिहाजा अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ में खुदा के ऊपर तवक्ल करें और जब भी जो भी मुश्किलात लाइफ में आएँ इन अहल बैत के वसीले से दुआ करें कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम गलत राह पे जा रहे हों तो इमाम मूसा काज़िम का वास्ता देकर उनको वसीला बनाकर ये दुआ करें कि परवरदिगार इनके सदक़े में हमें हर उस चीज़ से महफूज रखना कि जो हमें बुराई की तरफ़ लेकर जाए हम अपने ईमान को कवी रखें इस्ट्रॉग रखें ताकि कभी भी गुमराह ना हो सकें यही करबला वालों का पैगाम है और यही तमाम इमामों का पैगाम है और जैसा कि मैंने आपके सामने इस बात का ये बात अर्ज़ की कि आपके जनाजे को बगदाद के पुल पर रख दिया गया लेकिन उसके बाद इमाम रज़ा ने आपके जनाजे को दफन किया है लेकिन मैं कहूँगी कि मौला जब आपका जनाजा उठा है तो आपका बेटा आपके हमरा था चाहने वालों का एक हजूम मौजूद था आपके साथ लेकिन जब आपके जद अमजद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद किए गए हैं तो आपका पामाल शुदा लाशा तीन दिनों तक करबला की तपती हुई रेत पर पड़ा रहा है और कोई चाहने वाला आपके पास नहीं था हमारा सलाम हो उस हुसैन पर कि जिसने बचपन से ही बड़े मसाहब का सामना किया आजादारों हम जानते हैं कि जब इमाम हुसैन आलम के बचपन का ही वक्त था तो रसूल्ला इस दुनिया से चले गए इतना चाहने वाला नाना और इस दुनिया से चला गया रसूल इमाम हुसैन आलम के ऊपर क्या गुज़री होगी इसके बाद कुछ वक्त के बाद चाहने वाली माँ दुनिया से चली गई फिर ज़माना गुजरा मौलाए कायनात इस दुनिया से चले गए और ज़माना गुजरा इमाम हसन इस दुनिया से चले गए मगर रजादारो तारीख़ में कहीं नहीं मिलता कि रसूल अल्लाह के जाने पर इमाम ने कहा हो किए नाना आपके मरने से मेरी कमर टूट गई बीबी सैदा के जाने पर कहा हो अम्मा आपके मरने से कमर टूट गई या मौला कायन की शहादत पर कहा हो बबा आपके मरने से मेरी कमर टूट गई मगर तारीख़ ने यह ज़रूर लिखा कि जब अबल फजली अब्बास ने एक मरतबा आवाज़ दी है कि आका ग़ुलाम का आखिरी आखिरी सलाम कबूल कीजिए एक मरतबा इमाम हुसैन ने अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखा और फरमाया अला इन कसरा जहरिया आख़ी ए मेरे भाई तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई तारीख बताती है कि जब कि जब हज़रत अब्बास ने यह आवाज़ दी है इमाम ने दोनों हाथों से अपनी कमर को थामा फुरात की तरफ बढ़े क्या देखा कि जवान भाई है जवान भाई है खून में एड़ियाँ रगड़ रहा है एक मरतबा हजरत अब्बास के सिरहाने बैठ गए आपके सर को अपने जानू पर रखा हजरत अब्बास की एक आँखों में तीर पेवस था और दूसरी आँखों में खून जमा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से हजरत अब्बास की आँखों से खून साफ़ किया और फरमाया अब्बास कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो हजरत अब्बास ने फरमाया आका मैंने सकीना से पानी लाने का वादा किया था और मैं उस वादे को वफ़ा न कर सका मेरी ख्वाहिश यह है कि आका मेरी लाश को ख़ैमे में ना ले जाइएगा और यह कहकर हज़रत अब्बास की रूह इस दुनिया से परवाज कर गई सयालम